ये अहम खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है फ्रांस में किए गए हमले की निंदा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ हैं। आतंक के शिकार परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। हमले पर ट्रंप का बयान भी आया है। हमारा दिल फ्रांस के लोगों के साथ है। अमेरिका इस लड़ाई में पुराने सहयोगी के साथ खड़ा हुआ है, ये कहना है ट्रंप का। तो इधर से आप देख रहे हैं कि फ्रांस के साथ न सिर्फ हिंदुस्तान ने सॉलिडेरिटी दिखाई है, बल्कि उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस मौके पर साथ में खड़ा हुआ दिखाया है फ्रांस के। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया विभाजित होती जा रही है, मजहब के नाम पर अब गोलबंदी होने लगी है। एक तरफ इस्लाम और बाकी दूसरी तरफ बाकी सब नजर आ रहे हैं। और क्या ये वाकई आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की सूचना है, ज़रा ये भी हम समझें। इस बात को पहले ही रेखांकित कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कि ये जो है अब जो टेररिज्म आप देख रहे हैं, एक तरीके से ये वॉर का, मिनी वॉर का मैनिफेस्टेशन है। वॉर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, इसलिए अब टेररिज्म के जरिए ये सब हो रहा है। लेकिन सर, अब आप इसका मैग्नीट्यूड क्या देखते हैं और कहां जाकर रुकता हुआ देखते हैं इसको? देखिए, इसका मैग्नीट्यूड बहुत जबरदस्त है। मैं मानता हूं कि टेररिज्म को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कठिन है इस समय। चाहे कितना भी कोई कह ले, ये एक इस्लाम वर्सेस द रेस्ट तो दिख ही रहा है, आज से नहीं काफ़ी अरसे से दिख रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड लीडर्स को, यूनाइटेड नेशंस, जो कि इतनी अब अहमियत शायद नहीं भी रखती, एकजुट होके, आपको मालूम है कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अपोजिंग टेररिज्म। टेररिज्म कौन सपोर्ट कर रहा है? टेररिज्म सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, टेररिज्म सपोर्ट हो रहा है ISIS से, टेररिज्म सपोर्ट हो रहा है सीरिया में। जो जितने ये आप देश के नाम ले रहे हैं, ये सब टेररिज्म को बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो बढ़ोतरी कौन दे रहा है? बढ़ोतरी जब देगा तो जो आपने फ्रांस के एग्जाम्पल दिए वो होना लाजमी है, लेकिन वो टेररिज्म तो नहीं है ना। टेररिज्म माने कि आप हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को मौत के घाट पिला रहे हैं, आपको, यू आर किलिंग पीपल। वेयर एज जो आप कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स है, राइट टू स्पीच है, राइट टू थॉट प्रोसेस है, वो सब ठीक है, लेकिन जहां आपने हत्या करनी शुरू कर दी, जहां आपने चक्कू चलाने शुरू कर दिए, जहां आपने गोली चलानी शुरू कर दी लोगों को मारने के लिए, एक डराव पैदा कर दिया। टेररिज्म मींस टेरर, टेरर माने कि लोगों के दिल में एक घबराहट पैदा कर देनी। तो लोगों के दिल में घबराहट एक ड्राइंग से तो नहीं होती, एक कोई बयान से तो नहीं होती, लेकिन हाँ अवश्य होती है जब उसके सगे संबंधियों की कोई हत्या कर दे गोली मार के, कोई चक्कू से काट के। तो देर इज़ अ लिटिल डिफरेंस, नॉट ओनली लिटिल, इट्स अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। एक और खबर बता दूं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, आपके पास मैं आता हूं, मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।